हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक भाषा माधुरी रफ कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बड़े उ की मात्रा। आपको बड़े उ की मात्रा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आपको बड़े उ की मात्रा से जुड़े सभी शब्द अच्छी तरह पढ़ने भी आ जाएंगे और लिखने भी आ जाएंगे। बेटा, बड़े उ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। तो बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 7 बड़े उ की मात्रा। पार्ट 7 बड़े उ की मात्रा। बच्चों, ये बड़ा उ है और ये इसकी मात्रा है। ये हमेशा नीचे लगती, व्यंजन के नीचे लगती, जैसे प प्लस बड़ा उ फू। ये पेज बच्चों आप पहले कर चुके हैं, पेज नंबर 22। आज हम करेंगे पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 करने से पहले हम एक बार इसको रीड करेंगे। क टिल ग को बड़े उ की मात्रा लगाओ। जैसे बेटा हम हर बार पहले व्यंजन लिखते हैं, क टिल ग लिखते हैं, पहले हम वो लिखेंगे, फिर उसको हम उ की मात्रा लगाएंगे, बड़े उ की मात्रा लगाएंगे। क को बड़े उ की मात्रा लगाई तो बन गया कू। ख को बड़े उ की मात्रा लगाई तो बन गया खू। जू, थू, फू। इस तरह आप अपनी रफ कॉपी में क टिल ग लिखेंगे, फिर उसको बड़े उ की मात्रा लगाएंगे। बच्चों, एक बात याद है ना, जब मैंने आपको छोटे उ की मात्रा कराई थी तब समझाया था। हाँ जी, जैसे र के पैर में मात्रा नहीं लगती, कहाँ लगती है, उसके पेट में। जैसे हमने छोटे उ में भी उसके पैर में मात्रा नहीं लगाई थी, पेट में लगाई थी, वैसे ही बड़े उ की मात्रा में हम उसके पेट में मात्रा लगाएंगे। हम इसके और उदाहरण एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, र प्लस बड़ा उ, र के साथ बड़ा उ जुड़ा तो क्या बन गया, रू। जैसे ड म, र को बड़ा उ, डमरू। देखो, र के पेट में लगा ना बड़ा उ, तो आपने भी जब र में बड़े उ की मात्रा लगानी है तो उसके पेट में लगानी है। नेक्स्ट चीज, र को बड़ा उ रू, म को आ मा, ल रू माल। अ म, र को बड़ा उ रू, द अमरूद। तो बच्चों, इन एग्जांपलों से आपको र को कहाँ पे मात्रा लगनी है क्लियर हो गया ना सबको। तो अब हम आएंगे पेज नंबर 23 पे। पढ़कर अंतर जानिए। बेटा, यहाँ पे उन्होंने हमें ध को छोटे उ की मात्रा भी दिया और बड़े उ की मात्रा भी दिया। हम दोनों का पहले अंतर समझेंगे, इनकी साउंड समझेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा। फर्स्ट वर्ड इज ध को छोटा उ धु, ल धुल। द को बड़ा उ धूल, ल धूल। बेटा समझ आई ना, ये हमारा वर्ड बना धुल, ये धूल। स, स को छोटा उ सु, न सुन। स को बड़ा उ सु, न सुन। ब को छोटा उ बु, ज बुज। ब को बड़ा उ बुज, बुज। बेटा समझ आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा में डिफरेंस पता चल रहा है ना। नेक्स्ट इज, ज को छोटा उ जु, ता जूता। ज को बड़ा उ जूता, जूता। चुना, चूना। सूखा, सूखा। ब को छोटा उ बु, रा बुरा। ब को बड़ा उ बु, रा बुरा। पूजा, पूजा। झूला, झूला। तो बेटा आपको ये समझ लग गया ना, छोटे उ और बड़े उ में अंतर समझ आ गया है। आपने घर में भी इस तरह रीडिंग करनी है कि आपको अंतर समझ हो जाए। नेक्स्ट इस पढ़िए। र, र को बड़ा उ रू, पा रूपा। बेटा देखो, अब र के कहाँ पे आया बड़ा उ, पेट में। रूपा, बाग तक चल। बेटा इस चिन्ह के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। जब हिंदी में हमारा वाक्य फिनिश होता है तो इसके अंत में हम लगाते हैं। ड को आ डाल, ल को बड़ी ई डाली। पर झ को बड़ा उ झू, ला डाल। बेटा झूला, झूला मीन्स स्विंग, एस डब्ल्यू आई एन जी, स्विंग। म, य को बड़ा उ यूर, मयूर। बेटा मयूर होता है मोर, जिसको आप इंग्लिश में पीकॉक बोलते हो, पी ई ए सी ओ सी के,
पीकॉक। नाचा झूम झूम कर तू भी अब मन भर कर झूल। समझ आ रहा है ना, ऐसे ही आपने घर पे भी रीडिंग करनी है। झको बढ़ाऊ जू लको आला झूला झूल कर पूजा कर। पको बढ़ाऊ पू जको आजा पूजा। ड म रको बड़ा ऊ डमरू डमरू मीन्स डमरू डी ए एम आर यू डमरू। बजा दको बड़ा ऊ दू द दूध बेटा दूध मीन्स मिल्क एम आई एल के मिल्क। दूध पी खजूर खा ख जको बड़ा ऊ जू र खजूर खको आखा। फिर उसके अंत में हमने क्या लगाया पूर्ण विराम। बेटा समझ आ रहा है ना, ऐसे ही आपने रीडिंग करनी है। नेक्स्ट इज रामू रको आरा मको बड़ा उमू रामू सको बड़ा उसू रज सूरज। सूरज मीन सन एस यू एन सन। निकल आया दको बड़ा उदू ध वको आवा लको आला दूध वाला। दूध वाला मीन्स एम आई एल के मिल्क एम ए एन मैन मिल्क मैन। आ गया जा दूध ला बाजार बको आ बार जको आ जा र बाजार जा अमरूद। अ म रको बड़ाऊ रू द बेटा ये देखो र के पेट में आया ना बड़ाऊ। मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि आप गलती ना करें। आप र के कहीं पेट में ही रू लगाएं, कभी उसके पैर में मत लगाएं। अमरूद मीन्स गुआवा जी यू ए वी ए गुआवा। व मूली मको बड़ाऊ मू लको बड़ी ई ली मूली। मूली मीन्स रेड डिश R A D I S H रेडिश। ला रको बड़ा रू मको आ माल ल रुमाल साफ कर। बेटा रुमाल को क्या बोलते हैं, हैंकी भी बोलते हैं हैंडकरचीफ भी बोलते हैं। H A N D हैंड K E R कर C H I E F चीफ हैंडकरचीफ। खुशबू बेटा ये देखो आप खुशबू में ख को कौन सी मात्रा ही है, वेरी गुड छोटे उ की। और ब को कौन सी आई है, बड़े उ की। देखो ख को छोटा उ श ब को बड़ा ऊ खुशबू। जाकर नहा नहा कर पूजा कर। धूप ध को बड़ा ऊ प धूप जलाकर फूल चढ़ा। फ को बड़ा ऊ फू ल फूल मीन्स फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर। आलू बड़ा आ लको बड़ा ऊ आलू पी ओ टी ए टी ओ पटेटो। तथा पूरी खाना मत भूल जाना। तो बच्चों आज हमने किया पेज नंबर 23, आगे हम करेंगे पेज नंबर 24 अभ्यास। तो बच्चों अब हम करेंगे पेज नंबर 24 एक्सरसाइज नंबर 1 बड़े ऊ की मात्रा लगाकर लिखिए। बेटा उन्होंने हमें दी है फर्स्ट एक्सरसाइज बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है, उन्होंने न लिखा है तो आपने न के पैर में क्या डालना है, बड़ा ऊ। ये देखो उन्होंने न लिखा, उन्होंने फिर से न लिख के उसके पैर में क्या लगाया, बड़ा ऊ नू। जैसे सेकेंड इज म, म के पैर में फिर लगाया बड़ा ऊ तो क्या बन गया मू। ऐसे ट टू द धू ब भू ल लू फ फू ध धू ज जू ख खू भ भू त तू। तो बच्चों आपको एक्सरसाइज नंबर 1 क्लियर हो गया ना, तो ऐसे ही आप इसको अपनी बुक पे करेंगे। बड़े एक्सरसाइज नंबर 2 बड़े ऊ की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाएं। बेटा उन्होंने पहले व्यंजन दिया था, हमने व्यंजन को बड़े ऊ की मात्रा लगानी थी। अब उन्होंने हमें शब्द दिए हैं, जैसे ये देखो रप 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 कोई हमारा वर्ड नहीं ना बन रहा, तो उन्होंने कहां पे मात्रा लगाई है, र के पेट में। र को बड़ा ऊ प रूप। जैसे सेकंड इज धप ध को बड़ा ऊ धू प धूप। पड़ी पूड़ी कसर
कसूर बबल बबूल नाखन नाखून तरबज तरबूज मजधर मजदूर कारतस कारतूस। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गई होगी, तो ऐसे ही आप उसको अपनी बुक पर करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 चित्रों के नाम पूरे कीजिए। बेटा उन्होंने यहाँ पे पिक्चर्स दी हैं, 4 पिक्चर्स दी हैं। आप सभी जानते हो ये किस किस चीज की पिक्चर है, तो आपने उसका नेम लिखना है। उन्होंने आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं बीच में, जैसे फर्स्ट देखो ये कौन सी पिक्चर है, उन्होंने यहाँ पे फिलअप डाल लिया। फिर ल को बड़ी ई, कौन सी पिक्चर है हमारी, मूली। सेकंड इज डमरू। थर्ड कबूतर। फोर सूरज। तो एक्सरसाइज नंबर 4 पे आते हैं हम। सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाएं। बेटा उन्होंने हमें 2 वर्ड्स दिए हैं, एक में छोटे उ की मात्रा लगाई है और एक में बड़े उ की मात्रा लगाई है। तो आपने देखना है दोनों में से हमारा जो सही होएगा उसके आगे सही लगाएंगे, जो गलत होएगा उसके आगे क्रॉस लगाएंगे। र के पेट में छोटा ऊ परूप, र को बड़ा ऊ रूप परूप। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा रूप सही होएगा। वेरी गुड, सेकंड वाला। तो हम सेकंड वाले बॉक्स के आगे टिक लगाएंगे और फर्स्ट वाले पे क्रॉस लगा देंगे। बाकी एक्सरसाइज भी आप ऐसे ही करेंगे। देखिए इन दोनों में तराजू कौन सा सही होएगा, सेकंड वाला। त र को आज, को बड़ा ऊ तराजू। बबूल ब, ब को बड़ा ऊ ल बबूल। खजूर ख, ज को बड़ा ऊ र खजूर, या ख को बड़ा ऊ खू ज र खुजर। कौन सा शब्द हमारा सही होएगा, खजूर फर्स्ट वाला। ख ज को बड़ा ऊ र खजूर। धूप पूड़ी। क चालू। तरबूज मशहूर। तो बच्चों आज हमने किया पेज नंबर 23 और 24। अब घर पर आप 24 की बैक एक्सरसाइज घर पर करेंगे और इसके 10-10 डिक्टेशन वर्ड्स अपने माता पिता को लिखकर चेक करवाएंगे। तो अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।